एक्टिविस्ट हैं और जहां पे आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पठानिया के खिलाफ, पठानिया का जो नाम लैंड स्कैम में आया हुआ है। नमस्कार, आप जुड़ गए पुकार न्यूज के साथ, मैं हूं मीनू शर्मा। तो आइए नजर डालते हैं आज के खास समाचार पर। आज तहसील चिनैनी के मरोठी के युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी नेता और एक्स एमएलए रामनगर आरएस पठानिया का पुतला फूंका। विरोध प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने आरोप लगाया कि रोशनी घोटाले में पठानिया का नाम सामने आया है। सुजीत धवन के छात्र कार्यकर्ता के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन में उन्होंने मीडिया कर्मियों को ये बयान दिया है कि पठानिया और उनकी पार्टी गरीब और जरूरतमंद लोगों के साथ विश्वासघात कर रही है। वे उन्हें उनकी जमीन से हटाना चाहते हैं, लेकिन उनके अपने ही नेता और एक्स एमएलए रामनगर को अभी तक किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जैसे कि विक्रम सिंह, अक्षय सिंह, केवल सिंह, राहुल सिंह, नरजीत सिंह, जतिंदर सिंह, हरदेव सिंह और अन्य कार्यकर्ता भी इस विरोध प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं चिनैनी से हमारी संवाददाता बबली की ये रिपोर्ट। बीजेपी मुर्दाबाद, पठानिया को गिरफ्तार करो, पठानिया को गिरफ्तार करो, पठानिया को गिरफ्तार करो, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, पठानिया को गिरफ्तार करो, बीजेपी मुर्दाबाद, पठानिया को गिरफ्तार करो। मेरा नाम सुजीत धवन है। आज हम हमारे साथ जो मरोठी के जितने भी यूथ हैं सब इकट्ठा होकर के हम एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और जहां पे आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पठानिया के खिलाफ, पठानिया का जो नाम लैंड स्कैम में आया हुआ है, पिछले दो तीन दिन में वो सोशल मीडिया में जो है एक्सपोज हुआ है, उसके नाम में जो लैंड निकली हुई है रोशनी स्कैम है उसका नाम है। हम ये चाहते हैं कि उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाए। भाजपा जैसे दूसरे लीडरों के ऊपर जो आरोप लगा रही है कि दूसरे लोग जो हैं वो रोशनी स्कैम में आए हुए हैं, लेकिन आज उनका भी जो लीडर है एक्स एम एल ए जो रामनगर का, उसका भी नाम जो एक्सपोज हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि पठानिया को जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको अरेस्ट किया जाए, ताकि उनकी जो एक ऑनेस्टी की मिसाल है वो हमें भी दिखे। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। अगर इसको अरेस्ट नहीं किया जाता रामनगर के एक्स एम एल ए पठानिया को, तो हमारा जो आज की जो शुरुआत छोटा सा प्रोटेस्ट है ये बड़े आंदोलन में बदल जाएगा। और ये हम मोदी सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि इसके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, कड़ा इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। थैंक यू।